हे गाइस, आज एक ड्रोन बना के दिखाएंगे आपको जो बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए कैन बोतल का 1x1 सेंटीमीटर की टुकड़ा एक कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर पे एक होल कर लेंगे। एक प्लास्टिक का पतला सा पाइप, इसे अभी 3 सेंटीमीटर के हिसाब से 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। मैं प्लास्टिक पाइप का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। अभी इस एल्यूमिनियम के टुकड़े पर हॉट ग्लू लगा लेते हैं। चारों किनार पर हॉट ग्लू लगाने के बाद अभी इस प्लास्टिक के टुकड़े को चारों साइड एक एक करके लगा लेता हूँ। इसे लगाने के बाद अभी इस पाइप के किनारे पर हॉट ग्लू लगाकर अभी दूसरा ड्रोन मोटर को भी चिपका लेंगे। ऐसे एक एक करके चारों किनारों पर हॉट ग्लू लगाकर अभी दूसरा मोटर लगा लेंगे। आखिर में ये सारे मोटर्स चिपकाने के बाद अभी बीच पर एक पाइप का टुकड़ा भी लगा लेंगे क्योंकि इसे लगाने से थोड़ा मजबूती आ जाएगा और चारों किनारे पर इसको भी हॉट ग्लू से अच्छे से चिपका लेंगे। अभी जो हमारा ये मोटर से ये मोटर्स की नेगेटिव और पॉजिटिव को वायर की मदद से सोल्डरिंग कर लेंगे। ऐसे एक एक करके सभी मोटर्स को सोल्डरिंग कर लेते हैं। मैं इसके पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको एक ड्रोन बना के दिखाऊंगा, तो इसे अभी बना के दिखाते हैं आपको। ऐसे एक एक मोटर्स को सोल्डरिंग करने के बाद अभी इसके चारों पॉजिटिव वायर को एक साथ जोड़ लेंगे और इसके चारों नेगेटिव वायर को भी जोड़ लेते हैं। अभी जो लगभग ये ड्रोन आधा कंप्लीट हो चुका है तो इसे अभी रिसीवर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अभी और नेगेटिव और पॉजिटिव वायर को थोड़ा सोल्डरिंग कर लेते हैं। इसे सोल्डरिंग करने के बाद अभी ये है हमारा ड्रोन रिसीवर। तो अभी इस ड्रोन रिसीवर के साथ मोटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को सोल्डरिंग कर लेते हैं। पहले इस नेगेटिव वायर को रिसीवर के साथ सोल्डरिंग कर लेते हैं, ठीक इसी तरह पॉजिटिव वायर को भी इस रिसीवर के साथ सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोनों वायर की सोल्डरिंग बहुत ही अच्छा से सोल्ड हो चुका है। यह एक लिथियम आयन छोटा सा बैटरी जिसे अभी इस रिसीवर के साथ इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव में सोल्डरिंग कर लेते हैं। लो, अभी सोल्डरिंग हो चुका है। इसके बाद हॉट ग्लू लगा कर इस ड्रोन रिसीवर को भी चिपका लेंगे और इस तरफ इस बैटरी को भी हॉट ग्लू लगा कर चिपका लेते हैं। बैटरी को चिपकाने के बाद लगभग एक कंप्लीट हो चुका है। यह कुछ प्रोपेलर, इसे भी इस मोटर के साथ एक एक करके लगा लेते हैं। ये सारे प्रोपेलर को लगाने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखने में तो बहुत ही क्यूट लग रहा है और बहुत ही अच्छा है दिखने में। तो अभी इसकी पावर स्विच को ऑन कर लेते हैं और इसको ट्राई करके देखते हैं। लो, ये तो ऑन हो चुका है। तो अभी इसको रिमोट कंट्रोल से पावर देते हैं। ये तो बहुत ही पावरफुल है। इसको बहुत पावर देने के बाद भी ये उड़ नहीं रहा है। इसकी बैटरी शायद थोड़ा लो हो चुका है, तो इसे चार्ज पर लगाकर भी देखेंगे। बैटरी चार्ज करने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है। शायद इसका वजन थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है। तो इसको अगली बार थोड़ा हल्का करके बनाकर दिखाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लेना। तो गुड बाय।